ही गुण गाते हैं, तुझको निश दिन जाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं, तुझको निश दिन जाते हैं, तेरी शरण में आए हैं, तू ही सारे जगत की गाते हैं, तुझको निश दिन जाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं, तुझको निश दिन जाते हैं, तेरी शरण में आए हैं, तू है सारे जगत की जननी, तू है सारे जगत की माता निश्चिता गर्विता लोकातीता, तू है निस्तुला निर्मला वंदारु जनवत्सला, तू है निरीश्वरा गंभीरा निरंतरा धर्माधारा, तू है निष्क्रिया निरंतरा भक्ति प्रिया निराकुला, तेरी कृपा हो जाए सच्चिदानंद रूप, तू है सच्चिदानंद रूप, तेरे ही गुण गाते हैं, तुझको निश दिन जाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं, तुझको निश दिन जाते हैं, तेरी शरण में आए हैं, तू है सारे जगत की जननी, तू है निर्गुणा निरंजना निष्कलंका चंडिका, तू है निरपाया निराश्रया निर्लेपा त्रिगुणात्मिका, तू है निष्पापा निर्भवा निष्कला निर्भवप्लवा, तू है निर्मोहा निर्मदा निर्विकारा क्षमात्मिका, तेरी कृपा हो जाए हम पर, तू है महापातक नाशिनी, तू है महापातक नाशिनी, तेरे ही गुण गाते हैं, तुझको निश दिन जाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं, तुझको निश दिन जाते हैं, तेरी शरण में आए हैं, तू है सारे जगत की जननी, तू है सारे जगत की जननी, महारती गुरुमूर्ति शाश्वती परमेश्वरी, तू है चित शक्ति सुदासुती निर्नाशा रक्षा करी, तू है विनाशिनी एकाकिनी विष्णु ग्रंथि विभेदिनी, तू है निरुपाधि महाशक्ति आदि शक्ति शुभंकरी, तेरी कृपा हो जाए हम पर, सहज योग दायिनी, तू है सहज योग दायिनी, तेरे ही गुण गाते हैं, तुझको निश दिन जाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं, तुझको निश दिन जाते हैं, तेरी शरण में आए हैं, तू है सारे जगत की जननी, सारे जगत की जननी, तू है निराधारा
निराकरा नित्य यवना पद्मासना तू है निरंकरा नील चिकुरा शांत करुणा निष्करणा तू है महामाया निसंशया भक्ति गम्या रवि प्रज्ञा तू है चंद्रनिभा सुखराभ्या स्वभाव मधुरा सुख प्रदा तेरी कृपा हो जाए हम पर तू है नित्य लीला विनोदिनी तू है नित्य लीला विनोदिनी तेरे ही गुण गाते हैं तुझको निस्तिम जाते हैं तेरे ही गुण गाते हैं तुझको निस्तिम जाते हैं तेरी शरण में सारे जगत की जननी तू है सारे जगत की जननी तू है परमधरा महापूजा पुण्य लब्धा विश्वरूपा तू है महादेवी भगवती तेरे ही गुण गाते हैं तुझको निष्ठुर गाते हैं तेरे ही गुण गाते हैं तुझको निष्ठुर गाते हैं तेरी शरण में आए हैं तू है सारे जगत की जननी तू है सारे जगत की जननी तू है विश्व देव कार्य समुद्रता तू है श्री सदाशु श्री महाराज विमला विजयाली राजा तू है सस्ता लज्जा निष्परिग्रहा माते पुष्टि योगा तेरे ही गुण गाते हैं तुझको निष्ठुर गाते हैं तेरे ही गुण गाते हैं तुझको निष्ठुर गाते हैं तेरी शरण में आए हैं तू है सारे जगत की जननी तू है सारे जगत की जननी सारे जगत की जननी तू है सारे जगत की निर्मला देव्यै नमो
साक्षात श्री कल्कि साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नवः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकार मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः निजगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः वीकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तप
पुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतं आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतिः पुरुषात् परं देवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो घातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय कर सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध कर हनुमान जय हनुमंत संत हितकारी सुनिली जय प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महा सुख दी जय जैसे कूद सिंधु मही पारा सुरसा बदन पैठ बिस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुर लोका जाय विभीषण को सुख दीना सीता निरखी परम पद लीना बाजु जारी सिंधु मह बोरा अति आतुर जम का तर तोरा अजय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जड़ गई जय जय धुन सुरपुर मह भाई अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करमपुर अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होए दुख करहु निपाता जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भट नागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरी मारू बज की कीले गदा बज्र ले बैरी मारो महाराज प्रभु दास उबारो ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदा हनु विलंब न लावो ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु हरि उर शीसा सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा पूजा जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा वन उपवन मग गिर गृह माही तुम्हारे बल हम डरपत नाही पाए परो कर जोरी मनावो यही अवसर अब कही कोहरामो जय अंजन कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता बदन कराल काल कुल धालक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हें मार दुर शपथ राम की राघव नाथ मर जात नाम की जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो जय 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 धुनि होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा चरण शरण करि जोरी मनावो यही अवसर अब कही दोहराओ उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परो कर जोरी मनाई ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हंग हाक देत कपि चंचल ओम संत सामी पराने खल दल अपने जन को तुरत उबारो सुमिरत होय आनंद हमारो बजरंग बाण जही मारे काहि कहो फिर कौन उबारे पाठ करे बजरंग बाण हनुमत रक्षा करे प्राण की यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे रूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा प्रेम प्रतीति ही कपी धजे सदा धरे उर ध्यान देहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान सिद्ध करे हनुमान ओम शत्रुमर्दिनी नमः ॐ श्री अम्बिका देवी नमः ॐ मधुसूदनाय नमः
ओम तारकासुर संहंत्रीं नमः। ओम शुंभ शुंभ संहंत्रीं नमः। ओम श्री दुर्गा माता जगदंबा नमः। ओम श्री रक्षा करीं नमः। ओम राक्षसघ्नी नमः। ओम श्री चामुंडा नमः। ओम मधुकेतवहंत्री नमः। ओम नरकांतका नमः। ओम भंडासुरमर्दिनी नमः। ओम श्री शिरडी साईनाथ नमः। ओम श्री शिव शक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ओम श्री कार्तिकेय नमः। ओम सर्वासुर मर्दिनी नमः। ओम सर्व बाधा विनाशिनी नमः। ओम सर्व सत्य गुरु मर्दिनी नमः। ओम सर्व भय हारिणी रुद्र रूपा नमः। साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्याय नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम सभी सहज योगी जिनको आशीर्वादित किया गया उस गुप्त विद्या से जिसको गुरु सदैव ही अपने शिष्यों को जानने से रोकते रहे, वो गुप्त विद्या जो संत ज्ञानेश्वर ने छठे अध्याय में ज्ञानेश्वरी में लिखी। जिस गुप्त विद्या का ज्ञान नाथ संप्रदाय को पूर्ण रूप से था, किंतु ये विद्या उन्होंने भी आगे नहीं बढ़ाई। कुंडलिनी शक्ति, उसकी जागृति हमारे अंदर स्थित सूक्ष्म यंत्र जिससे हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं, उस यंत्र का ज्ञान उन सभी लोगों को प्राप्त हुआ होगा जिन्होंने भी उस पुस्तक को पढ़ा। इसके रहस्य के बारे में, इसके प्रभाव के बारे में हर धर्म ग्रंथ में लिखा है कि किस प्रकार कुंडलिनी शक्ति की जागृति से हमारे हाथ बोलने लगते हैं, और हमें सत्य का अनुभव देते हैं। किंतु ये कैसे प्राप्त होता है और इसे प्राप्त करना चाहिए भी या नहीं, इस बारे में अनेक भ्रांतियां गुरुओं ने फैलाई
क्योंकि वो कुंडलनी जागृति करने में असमर्थ थे। हम सहज योगियों को ना कि इस गुप्त विद्या का गूढ़ रहस्य ज्ञात है, अपितु हमने इसको अनुभव के आधार पर जाना है। किसी भी मनुष्य की कोई जाति नहीं है, सबके अंदर ये यंत्र स्थित है। हम सहज योगियों का कर्तव्य है कि हम कुंडलिनी जागृति के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को ईश्वर से जोड़े। बहुत ही सहज और सरल तरीके से जो श्री माता जी निर्मला देवी ने हमें प्रदान किया, आइए कुंडलिनी शक्ति को किस प्रकार से देखा जाता था या कितने कम लोग इसे जानते थे, इसका अनुभव प्राप्त था। लगभग नगण्य संख्या में लोग गुरु इसको अपने शिष्यों को दे पाते थे। इसका इतिहास जानते हैं और जानते हैं सहज योग की महिमा, क्योंकि जो किसी को कभी प्राप्त ना हुआ, न भूतो न भविष्य थी, वो हमें प्राप्त है। इसका प्रमाण हम स्वयं है, इसके साक्षी हम स्वयं है, और ये शक्तियां हम किसी को भी प्रदान कर सकते हैं। श्री माता जी ने हमें वो गुरु पद दिया है जो आज से पहले किसी भी धर्म में किसी को प्राप्त नहीं हुआ। आप सभी के अंदर स्थित गुरु तत्व को मेरा सादर नमन। आप सबका इस गहन ध्यान श्रृंखला में हार्दिक अभिनंदन। अपने चित्त को पूर्ण रूप से स्थिर करेंगे अपने बाएं हृदय के अंदर। पूरा चित्त बाएं हृदय में, पूरा चित्त बाएं हृदय में उतार देंगे। श्री राम का वर्णन करने के लिए उन्होंने खोज निकाला कौन, तो एक मछियारा, एक कोली जो मच्छी पकड़ता था और डकैत था, उसकी कोई जाति देखी नहीं उन्होंने। श्री कृष्ण का वर्णन जिसने लिखा, उस गीता को लिखने वाले वाल्मीकि, ये कौन थे आप सब जानते ही। और वाल्मीकि गीता को लिखने वाले व्यास, इनके बारे में बताना ही नहीं। व्यास एक मच्छहारनी के वैधानिक पुत्र थे, ढूंढ के उनको निकाला इन्होंने, इसलिए
की जाति पाति का जो ये ढोंग है ये खत्म हो जाए। भिलनी के बेर खाए झूठे, विदुर के घर जा, दासी पुत्र विदुर के घर जाकर के साग खाए। ये किस लिए किया? कि दिखाने के लिए कि जाति पाति जन्म से नहीं कर्म से होती है। पर कोई सुने ही नहीं, उसका दिमाग ही बंद हो जाए तो उसे क्या करे। लेकिन सहयोग में जब आत्म साक्षात्कार होता है, ये सब ढकोसलेबाजी एकदम गिर जाती है। सारी जात अपने आप छूट जाती है, सारी अंधश्रद्धाएं गिर जाती है। हिंदुस्तान में अंधश्रद्धा ऐसे नहीं है, विलायत में कुछ कम है, इंग्लैंड में ऐसी अंधश्रद्धाएं हैं कि आप समझ नहीं पाए, अजीब अजीब सी। लेकिन इसको समझने के लिए आपकी चेतना जो है वो सूक्ष्म होनी चाहिए, आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होना चाहिए। जब तक आपकी वो चेतना उस उच्च स्तर में नहीं जाती है, तब तक आप केवल सत्य बता ही नहीं सकते, जिसे कैवल्य कहते हैं। एब्सोल्यूटनेस आपके अंदर आनी पड़ेगी कि आप जानेंगे उससे कि क्या चीज है। सहयोग में जब कुंडलिनी का जागरण होता है, तब आपके हाथ से ठंडी ठंडी लहरें बहती हैं। आदि शंकराचार्य ने इसे सलीलम सलीलम ऐसे बड़े सुंदर शब्द में वर्णित किया। और बाइबल में भी इसे कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट कहा। किसी भी धर्म ग्रंथों में एक बात लिखी है कि आप अपना आत्म साक्षात्कार लीजिए। वो क्या सब लोग झूठे थे या निर्बुद्ध थे जो ऐसा लिख के गए कि आप अपना आत्म साक्षात्कार लीजिए? और उनकी जीवनी देखिए, क्या वो पैसा खाते थे या किसी को पत्थर मारते थे? उन्होंने कोई गलत काम जिंदगी में किया ही नहीं। ऐसे लोग कोई ना कोई विशेष होने चाहिए। उनको आप संत कहें, सूफी कहें। और सहयोग का वर्णन तो कुरान में बहुत साफ तरीके से दिया कि जब कियामा माने रिजरेक्शन का टाइम आएगा, जब आपके उत्थान का समय आएगा, तब आपके हाथ बोलेंगे। सहयोग में आपके हाथ बोलते हैं, यानी आपके हाथ के जो पांच और छह और सात चक्र हैं, इसमें ऐसी हरकत होने लगती है कि आप समझ लेते हैं कि कौन से चक्र में दोष है। ये मानना चाहिए कि हमारे यहां तीन तरह की प्रणालियां थी पहले, एक तो वेद, दूसरे भक्ति, और तीसरी जो बहुत गुप्त रूप की थी वो थी नाथपंथियों को। महाराष्ट्र के लोग नाथपंथियों को जानते हैं, जानते माने किताब पढ़ते रहते हैं, उसको रट करके रख दिया, उसके अंदर क्या सार है उसे नहीं देख रहे, उसका सार नहीं समझते कि इसके अंदर सार क्या है। नाथपंथियों का ये कार्य था कि एक गुरु के एक शिष्य को ही जागृति देने, उससे ज्यादा नहीं। और कुंडलिनी के बारे में किसी से खास बात न करें। हालांकि संस्कृत भाषा में आदि शंकराचार्य ने, उनसे भी पहले मार्कंडेय ने काफी वर्णन कुंडलिनी का किया है कि कुंडलिनी के ही शक्ति से आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन श्री ज्ञानेश्वर जी के समय उनके जो गुरु श्री निवृत्तिनाथ थे, उन्होंने उनसे ये विनती की कि ये परंपरा तो ठीक है कि एक गुरु और एक शिष्य, इसे मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपसे एक
बड़ी नम्र विनती करना चाहता हूँ। निवृत्तिनाथ जानते थे कि ज्ञानदेव कौन है, कितनी बड़ी हस्ती है, और उनकी माँ भी अपनी आत्महत्या से पहले अपने भाई को समझा, अपने लड़के को समझा गई थी कि बेटे इसकी बात जरूर सुनना। हाँ हाँ, कहने बताओ कौन सी बात, तुमने तो आज तक तो कुछ मांगा ही नहीं। कहने लगे कि आप ये बात मान जाइए कि कम से कम इस गुप्त विद्या को मैं दुनिया को बताऊं, कम से कम मैं ये कार्य करूंगा नहीं, लेकिन ये जो ज्ञान है इसे मैं दुनिया को बताना चाहता। तो ज्ञानेश्वरी में छठे अध्याय में उन्होंने कुंडलिनी के जागरण का बहुत सुंदर वर्णन किया। काव्यमय होने की वजह से आप चाहे उसका कुछ भी अर्थ लगा ले, लेकिन छठा अध्याय ये निषिद्ध माना गया। सब धर्म मार्तंड जिन्होंने हर संतों को सताया और छला, उन्होंने कहा कि बिल्कुल बेकार, इसको तो देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ आता ही नहीं था उनको, कुंडलिनी का ज्ञान ही नहीं था। तो ये अच्छा तरीका है कि अगर कोई चीज नहीं आए, जैसे किसी को क्लासिकल म्यूजिक नहीं आता तो बैठ के हंसते रहता है बेवकूफ जैसे, इसी प्रकार उन्होंने कहा यह निषिद्ध है, छठा अध्याय निषिद्ध है, इसको देखने की जरूरत नहीं। अब इतनी बड़ी संपदा हमारे देश की जो छठी अध्याय में छिपी हुई थी, उस पे उन्होंने पर्दा डाल दिया कि ये चीज कोई ना पढ़े। आज आपके भाग्य से और मेरे भी भाग्य से ये दिन आ गया है कि जो वो जन समाज को कहना चाहते थे उसका साक्षात आप प्राप्त कर सकते, उसे आप प्राप्त कर सकते हैं जिस प्रेम की व्याख्या उन्होंने की थी, जो सत्य स्वयं प्रेम है, जिसे अमृतानुभव में इतने सुंदर और सूक्ष्म शब्दों में जिन्होंने वर्णित किया था। जो लोग संत ज्ञानेश्वर पे उंगली उठाते हैं, उनसे मेरा यह कहना है कि दो लाइन उनके सूक्ष्म विचारों की लिख के दिखाओ, लियाकत नहीं तुम्हारे अंदर, दो लाइन जो सूक्ष्म विचार इतने सुंदर हैं, इतने मधुर हैं, और इस तरह से आनंददायी है, ऐसे विचार इतने सुंदर ग्रामीण भाषा में इतनी सुंदरता से लिखे हुए, ऐसे महान आत्मा जिन्होंने कि 23 साल की उम्र में ये कार्य किया, उनके ऊपर उंगली उठाने वाले भी इस कलयुग में आज तैयार हो गए। आपकी अकल कितनी, आप जानते क्या है अध्यात्म के बारे में, आप समझते क्या है, जो देखो वो हर संतों पे ही है। उन दिनों में एकनाथ, श्री एकनाथ महारों के घर खाना खाते थे। आज भी महार अलग, मांग अलग, ये अलग, वो अलग, आज भी यही चल रहा। और लोगों ने यही धर्म मार्तंडों ने उनको कितना सताया उस वक्त, और कितने ही लोगों के बारे में बताऊं मैं, दासगणु जो कि स्वयं ब्राह्मण थे जाति के, उन्होंने मराठी में कहा है कि आमासी मणती ब्राह्मण, आमी जानीले नाही ब्रह्म, आमी कसले ब्राह्मण, हमें लोग ब्राह्मण कहते हैं, हमने ब्रह्म को जाना नहीं, हम कहां के ब्राह्मण हैं। इन लोगों की गाथाएं पढ़े और इसको सुने तो लगता है कि कोई ऐसी अभिनव बातें लोग कर रहे हैं। बहुतों के तो समझ में नहीं आती, ये भी बात सही है, बहुतों के समझ ही में नहीं आती, क्योंकि उसमें जो सूक्ष्मता चाहिए वो आत्म साक्षात्कार के ही बाद में मिलती है।
अब आपने देखा कि ये परदेसी लोग यहाँ हैं, ये कोई भाड़ोत्री नहीं है, जैसे चार आदमियों को रुपया देकर कहा कि यहाँ चिल्लाओ, ऐसे लोग नहीं है। ये बहुत पढ़े लिखे ऊंचे लोग हैं। जैसे लोग रजनीश के पास आते उस तरह के लोग नहीं, ये बड़े चुने हुए लोग हैं और बड़े बढ़िया लोग हैं। और ये कितने आसानी से इतना कठिन श्री शंकराचार्य का सौंदर्य लहरी का वर्णन एक भारतीय नहीं कर सकता। इतनी सुंदरता से आपके सामने गा रहे थे जब मैं आई। इन अंग्रेजों को तो एक अंग्रेजी शब्द सिखाना मुश्किल। एक साहब ने पूछा कि कैसे कहा जाए कि दरवाजा बंद करो, कैसे कहा जाए नौकर से। तो उसको समझाया दरवाजा बंद करो, बोले नहीं पाए, द तो बोल ही नहीं सकते, ज बोल ही नहीं सकते। तो उससे कहा गया कि कहो देयर वॉज ए बैंकर, दरवाजा बंद करो। ये तो इन लोगों की दुर्दशा, इतने मोटे मोटे इनके जीभ थे। और आज आप देख रहे हैं कि मराठी क्या, संस्कृत क्या, हिंदी क्या, और ये हिंदी का गाना तो इन्होंने खुद बनाया हुआ, ये कैसे हो सकता है। ये अपने संगीत को, जो कि हम लोग नहीं समझ पाते, इतने शकील कठिन संगीत को इतने प्रेम से सुनते हैं, ये कैसे हो गया। कहा जाता है कि भारतीय संगीत जो है ये ओंकार से आया, इनके अंदर यही ओंकार जागृत हो गया निर्विवाद। ये लोग ड्रग्स लेते थे बुरी तरह से, सब नहीं लेकिन काफी, और एक रात में छोड़ के खड़े हो गए। शराब पीते थे, वो छोड़ के खड़े हो गए। सहयोग से मनुष्य एक अति मानव हो जाता है, जो कि इस उत्क्रांति का, इस एवोल्यूशन का चरम लक्ष्य है। उसको पाते ही आप अंदर एक नई अनुभूति को जानते हैं। जय श्री माता जी। चित्त को पूर्ण रूप से एकाग्र करेंगे, हर जगह से हटा लेंगे, कोई भी बाहरी सांसारिक गतिविधि या कोई मानसिक विचार, सब जगह से चित्त को हटाएंगे। और धीरे से अपने बाएं हृदय के अंदर रख देंगे। गहराई में उतारते जाएंगे अपने चित्त को बाएं हृदय में। और अपनी आत्मा के साथ अपने चित्त को स्थित करेंगे। ढूंढ लेंगे अपनी आत्मा को, मां आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं ये मन बुद्धि अहंकार नहीं, मैं शरीर नहीं, शरीर को होने वाला कोई भी सुख दुख हारी बीमारी मैं नहीं, मैं सिर्फ एक शुद्ध आत्मा हूं। श्री सदाशिव का प्रतिबिंब हूं मैं, आत्मा हूं। आत्मा हूं।
आत्मा हूं मैं, आत्मा बाएं हृदय में पूर्ण रूप से जागृत है। चित्तात्मा के गुणों में सराबोर हो रहा है, साक्षी भाव में आ रहा है, प्रकाशित हो रहा है। धीरे धीरे चित्त को निकालेंगे और रीढ़ की हड्डी के अंदर ले आएंगे चित्त। पूरा चित्त रीढ़ की हड्डी के अंदर, एकदम अंदर 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 अंदर, मूलाधार चक्र पे श्री गणेश को नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु श्री गणेश, कृपा कीजिए मेरे आध्यात्मिक उत्थान में आने वाले समस्त विघ्नों को हर लीजिए। ये विघ्न हरता श्री गणेश जी, आप सृष्टि के आदि हैं और अंत हैं, आप अनंत हैं, आप मेरे हर चक्र पे विराजते हैं। जागृत हो जाए, महसूस करेंगे श्री गणेश को मूलाधार चक्र पे, उनके गुणों को अपने अंदर भरेंगे, अबोधिता मांगल्य पावित्र निर्भीकता बुद्धिमत्ता महसूस करेंगे। हमारे अंदर बहता हुआ परम चेतन है, बिखर रहा है, चारों ओर फैल रहा है, मूलाधार चक्र से ओंकार स्वास्तिक एक शीतलता का एहसास, चार पंखुड़ियों का ये चक्र एक ऊपर एक नीचे एक दाएं एक बाएं, चित्त को उठा लेंगे ऊपर वाली पंखुड़ी से, उठाते चलेंगे रीढ़ की हड्डी के अंदर अंदर अंदर। स्वाधिष्ठान चक्र पे महसूस करेंगे इस चक्र को, छह पंखुड़ियों का ये चक्र शुद्ध इच्छा शुद्ध विद्या
वो प्रदान करने वाला ही चक्र। चित्त को उठाएंगे नाभि चक्र में, रीढ़ की हड्डी के अंदर 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 ब्रह्म नाड़ी पे पूरा चित्त नाभि चक्र शांति और समाधान महसूस करेंगे। इस चक्र को घूमता हुआ चारों चित्त को घुमाएंगे। धर्म क्षेत्र में, भवसागर में, अपने गुरु तत्व को नमन करेंगे। धर्म को सिखाने वाले सभी 10 गुरु हमारे ही भीतर जागृत हैं। पूरा चित्त अपने अंदर एक धड़कन है महसूस करेंगे। चित्त सदैव क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमाएंगे, महसूस करेंगे इसे उस तरह से घूमता हो चित्त को उठाएंगे जगदम्बा चक्र में। माँ जगदम्बा विराजे हैं, अभयदान देते हैं। हे माँ जगदम्बा, जागृत हो जाएंगे सभी अस्त्र शस्त्रों के साथ, हर नकारात्मकता का अंत कर दीजिए बहुत सुंदर घूम रहा है ये चक्र, महसूस करेंगे। सभी देवी देवताओं की शक्तियां मध्य हृदय में श्री गणेश, श्री कार्तिकेय, श्री भैरवनाथ, श्री हनुमान साक्षात बैठे हुए हैं। हमारी रक्षा के लिए घूमता हुआ ये चक्र बहुत सुंदरता से महसूस करेंगे। रीढ़ की हड्डी में
नमन करेंगे। माँ जगदम्बा को, माँ दुर्गा, माँ महाकाली, समस्त उन स्वरूपों को जो नकारात्मकताओं का अंत कर दी, नमन करेंगे। पूरा चक्र खुला हुआ जागृत, चित्त को उठाएंगे विशुद्धि चक्र में, महसूस करेंगे इस चक्र को रीढ़ की हड्डी में, गर्दन के बेस में, गोल हड्डी के अंदर, पूरा चित्त समा गया है विशुद्धि चक्र में। ऊपर उठाएंगे चित्त को आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र खुला हुआ है, कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठ रही है, रम रम से बाहर आ रही है, आत्मा का प्रकाश पूरे मस्तिष्क में, लिम्बिक एरिया में, सभी चक्र खुल रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। कमल दल पे विराजे हुए श्री माता जी, चरणों में नमन करेंगे। प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर, कृपा कीजिए और मुझे योग प्रदान कीजिए, श्री माता जी विराट है, विराटांगना है, माँ के शरीर के अंदर फैल रही है, आकाश में, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष के परे शून्य सरोवर में, श्री माता जी वलय स्वरूप में, श्री सदाशिव के चारों ओर, हम
हम भी माँ के अंदर घूम रहे श्री सदाशिव के चारों ओर। धीरे धीरे समाते जाएंगे श्री सदाशिव। पूरी तरह से समा जाएंगे। महायोग का आनंद लेंगे। पूरी तरह से श्री सदाशिव के भीतर समा गए। अद्वैत की स्थिति धीरे धीरे चित्त को बाहर लाएंगे। नमन करेंगे श्री सदाशिव। प्रार्थना करेंगे हे परम पिता परमेश्वर, हे अर्ध नारीश्वर, आपने हमें योग प्रदान किए। आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। हे परम पिता, आपने हमारे पूर्व जन्मों में और इस जन्म में हुए कर्मों के लिए हमें क्षमा किया, हमें मुक्त किया कर्मों के बंधन से। जिससे हम योग को प्राप्त हो सके, अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। हे प्रभु, हर जन्म की, इस जन्म की सभी गलती जो अनजाने में हुई, जाने अनजाने हुई, आपने हमें सबसे मुक्त किया। हम सदैव इसी प्रकार से इस जीवन में अपराध मुक्त रहे।
आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद माँ निर्मला के अवतरण के लिए। हमें स्थिति प्रदान करने के लिए, योग प्रदान करने के लिए, हमारी आत्मा की जागृति के लिए, आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। धीरे धीरे नीचे आएंगे अंतरिक्ष में, और अच्छे अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष की ध्वनियों, नवग्रहों पूर्ण रूप से जागृत महसूस कर सकते हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सूर्य, चंद्रमा, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, मून रूप से जाकर नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। उनकी कृपा और आशीर्वादों के लिए धीरे धीरे आकाश में आएंगे और आकाश से पूरे विश्व में फैले पंचतत्व मनुष्यों, प्राणियों, पेड़ पौधों के भीतर स्थित पंच तत्व समय पर मीट करेंगे, चित्त से सब तक परम चैतन्य पहुंचाएंगे, धरती पर मीट करेंगे, जल परमिट करेंगे, वायु, अग्नि,
आकाश, आकाश में पूरा चित्त विलीन हो रहा है। आकाश से चित्त को लाएंगे पूरे विश्व में, परम चैतन्य से भरा हुआ चित्त विश्व के नक्शे को अपने चित्त से पेंट करेंगे, पेंटिंग ब्रश की तरह पूरा चित्त फिराएंगे। अमेरिका पे, नॉर्थ साउथ, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, बरसने देंगे परम चैतन्य, फैलने देंगे सब जगह, भीगने देंगे पूरी सृष्टि को, सभी साधकों को, सभी धर्मानुयायियों पे बरसता हुआ परम चैतन्य। सभी वो धर्म गुरु जो अलग अलग जगह बैठे, हिमालय में, मठों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चेस, सभी धर्म गुरुओं पे चित्त, परम चैतन्य फैल ले देंगे सबके ऊपर। फैल ले देंगे भीगने देंगे, परम चैतन्य अपना कार्य स्वयं करेंगे, सहयोग की तरफ बढ़ते हुए लोग स्वयं घटित होगा। चित्त फैलाते रहेंगे, परम चैतन्य फैलाते रहेंगे, वेद, भक्ति और नाथ संप्रदाय सबके गुरुओं पे परम चैतन्य धीरे धीरे अपने चित्त को बटोरेंगे और अपने सहस्रार पे ले आएंगे और रिसीव करेंगे परम चैतन्य। सहस्रार से अपने पूरे शरीर के अंदर भीग जाएंगे पूरी तरह,
परम चैतन्य से तर बतर हो जाएंगे, पूरे शरीर में अंदर बाहर परम चैतन्य। हम अपने चारों ओर परम चैतन्य फैलाएंगे चित्त के माध्यम से, पूरा घर, ठीक देंगे परम चैतन्य से। परिवार के सभी लोग समाज के वो लोग जो हमारे चित्त में रहते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, धीरे धीरे अपने चित्त को सहस्त्रार पिलाएंगे श्री माता जी के श्री चरणों, सब कुछ समर्पित करेंगे। सहयोग में किया हुआ कोई भी कार्य चित्त से या शरीर से, हे परमेश्वर तेरा तुझको अर्पण, आप ही कर्ता, आप ही करता, आप ही करता, आप ही भोगता, हम तो सिर्फ आपके माध्यम कृपा करके अपना माध्यम बनाए रखे, अपना यंत्र बनाए रखे, इस गुप्त विद्या को जो अभी तक गुप्त रहे उजागर करें, माध्यम बने पूरी दुनिया में, सहयोग फैलाए, संत ज्ञानेश्वर की शुद्ध इच्छा को पूर्ण करें, उनके ही पुनरावतार शंकराचार्य जी की शुद्ध इच्छा को पूर्ण करें, कुंडलनी जागृत हो मनुष्य की, ईश्वर से योग संभव, हम उसके माध्यम बने, हमारा गुरु तत्व पूरी तरह से जागृत होना, इस योग्य बनाइए,
अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद श्री माता जी। धीरे धीरे मध्य हृदय में आएंगे, माँ जगदम्बा की सुरक्षा में। यही विश्राम करेंगे, आज के ध्यान को यही विराम देंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सभी राई बहनों को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। बहुत बहुत आनंद, की इच्छा नहीं हो रही। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अलका बेटा, सभी भाई बहनों को जय श्री माता जी। थैंक यू माँ, थैंक यू आपके यंत्र का कि इतने आनंद में, निरानंद की स्थिति, पूर्ण समाधि और इतनी गहनतम ध्यान यात्रा के लिए बहुत 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 धन्यवाद माँ। अनंत कोटि धन्यवाद आपका, आपके बच्चे का। बहुत सुंदर, थैंक यू माँ। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अभी कुछ लोगों ने काफी कार्य किया है सहज योग का, तो आई थिंक इशिका ने कुछ मुझे भेजा था, मैं शेयर करना चाहूंगी। अब आप लिखे लिखे अब ऐसे हाथ तक लिखिए कि हाथ में ठंडी ठंडी लग आ रही है। उससे पहले आप लेफ्ट हैंड में लिया है और राइट हैंड में लिया है और लेफ्ट हैंड से आप देखिए सब के अंदर ठंडी ठंडी हवा आ रही है। यहाँ चिंता रखे, यहाँ देखिए ठंडी ठंडी, किसी किसी में एक ही चिंता है। देखिए यहाँ जरा घुमा करके देखिए, मैं केवल समाधि नहीं किया, फिर से एक बार करने का है, मैंने सब कुछ क्षमा कर दिया। कृपया कहें बहुत लोगों ने समाधि नहीं किया, क्षमा करना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। पूर्ण अपने से क्षमा कर दो, ये हाथ हो गया और राइट हैंड सर्कल सर्कल को बराबर यहाँ पर पीछे बीच। देखा आपने कितना, इवन निर्मल धाम में जहाँ पे मतलब इतने लोग श्रद्धालु सहयोगी कहाँ कहाँ से पहुंचते हैं, वहां पे भी श्री माता जी की स्पीड चला करके ये कुछ नियम सा बन गया है कि सहयोग दिया जा रहा है। तो इस समय जितनी तेजी से सहयोग फैल रहा है, सो हम भी उसका एक छोटा सा टुकड़ा ही सही अपना योगदान दे तो बहुत अच्छा होगा। तो और हमारे ग्रुप में से और कौन कौन कार्य कर रहा है, क्या आप बताएंगे मुझे थोड़ा? जय श्री माता जी। अलका बेटा, मैं भी कल गांव में गई थी, यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर हरिद्वार से। अच्छा। और वहां पर बहुत सुंदर करीब 50-60 लोगों का रिलाइजेशन हुआ और आज फिर उन्होंने बुलाया है कि और नए लोगों को लेके आएंगे वो लोग जो कल उन्होंने पाया है, तो आज फॉलो अप भी होगा और नए लोगों को भी होगा। वो तो फोटोग्राफ्स वगैरह आप शेयर करेंगे? है ना? अभी मेरे पास पहुंचे नहीं है, आएंगे तो जरूर करेंगे, क्योंकि ग्रुप हमारा था करीब 20 लोग गए थे हम लोग यहाँ से हरिद्वार से, तो मैं भेजूंगी जब मेरे पास पहुंचेंगे, आज के भी आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। और इशिका का लोड नहीं हो पा रहे फोटोग्राफ्स, तो इशिका जो इशिका आयुध है। जय श्री माता जी।
जय श्री माता जी शिका। तो शेयर करो। अच्छा मैं बताना चाहती हूँ कि मैं जब अहमदाबाद गई थी और ऋषिका से मिली थी, माँ ने अहमदाबाद मुझे भेजा शायद सिर्फ ऋषिका की शुद्ध इच्छा के कारण। और ये मिली और मतलब वहां पे 4-5 सहयोगी भी नहीं थे, और वो जितना भी ऋषिका ने बताया कि वो जितना भी प्रयास करते हैं अहमदाबाद में फैलाने का, फैलता ही नहीं है सहयोग। तो वहां पे श्री माता जी ने मुझसे बहुत सारा कार्य लिया। परम चैतन्य चारों तरफ समाधि में जा जाके मैं अपने जहाँ रुकी हुई थी वहां से कार्य करती रही। और उसके बाद बड़ा तेज हिट भी आया जब मैं दिल्ली लौट के आई, लेकिन उसका परिणाम स्वरूप देखिए श्री माता जी क्या मतलब कैसे हमको आशीर्वादित करती है, हमारी शुद्ध इच्छा को, ईशिका की शुद्ध इच्छा कि वो फैले और मेरा ईशिका का मिलना। और इतने सारे लोगों ने रियलाइजेशन लिया है और उनको बहुत अच्छा लगा। ईशिका ने मुझे ऑडियो भी भेजा था, पता नहीं अभी खुल ही नहीं रहा है तो मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। उनको ठंडा ठंडा महसूस हुआ, सोचो मतलब ईशिका जो खुद ही मतलब काफी परेशानी रहती थी कि दीदी निर्विचारिता नहीं हो रही, उसकी इतनी अच्छी स्थिति हो गई है कि श्री माता जी ने उसको यंत्र बनाया इतने सारे लोगों को रियलाइजेशन देने के। वेल डन ईशिका, वेरी वेरी यू नो गुड जॉब, वेरी नाइस। तो कुछ सुनोगी जी? ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपने सिखाया सब। All goodness goes to you। आप रोज बोलते थे ना दीदी कुछ करो कुछ करो, तो बोला चलो यहीं से शुरुआत करते। और हमको 10 days का टाइम दिया इन लोगों ने। 10 days, 10 days कंटिन्यू बहुत भीड़ है ईशिका, और उनको अनुभव आ रहे हैं। सबसे सुंदर बात है कि जैसे आप बार बार करते हैं ना तो अनुभव प्रगाढ़ होते जाते हैं। पहली बार में इतना एहसास नहीं हो पाता लोगों को, तो अगर दूसरी तीसरी बार भी हमें वही लोग मिले तो, और ये मिलते हैं। अब जैसे हमारी सोसाइटी में हुआ था, तो अभी जैसी हम अपनी सोसाइटी के पीछे के पार्क में रियलाइजेशन के लिए करते हैं, वो सब यहाँ से निकल निकल के वहां पहुंच रहे हैं। जिनको भी मिलना है वो सब पहुंच रहे हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है कि जो हम ये फॉलो अप्स होते हैं और जो लोग बार बार आसपास अगर हम करते रहे ना तो वो बार बार आते रहेंगे जिनको आना है ना। और ऋषिका और क्या क्या हुआ दीदी? पहले तो हमको सिर्फ 10 days 10 minutes का टाइम दिया था 10 days के लिए, लेकिन जिसे हमने स्टार्ट किया तो हमारा 20 minutes 25 minutes होता गया। उसके बाद बच्चे इतने शांत हो जाते थे। 3 hours का जो सेशन होता है, जो भी इन्होंने कल्चर एक्टिविटीज रखी है सिंधी समाज की, वो बोले 4 hours 5 hours बच्चे बहुत अच्छी तरह से करते हैं। और जैसे ही हम जाते हैं ना तो बोले हमको करना है मेडिटेशन, तो बोले हाँ, इतना खुश होते हैं। अबाउट 100 बच्चे हैं, और अभी लास्ट लास्ट डे पे उनके पेरेंट्स वगैरह भी आएंगे, और जो हमारे मैन होते हैं मेंबर्स जो समाज के, वो भी कोई ना कोई होता ही है। तो लास्ट डे 21st को बोला है उन लोगों ने कि बहुत बड़ा प्रोग्राम रखेंगे, और जो बड़े बड़े लोग हैं ना वो खुद भी रियलाइजेशन देने के लिए आगे आ रहे हैं। हाँ कितनी बड़ी बात है देखो। और हमारा है कि इतने शांत बच्चे बैठे हुए हैं, सब ध्यान में बैठे हुए हैं, जो फोटो इसने भेजे हैं शिका ने। ये तो बहुत सुंदर हुआ। और क्या हुआ ऋषिका? अभी परमिशन कैसे मिली? मैं दीदी कुछ सिंधी समाज से कुछ लोगों के साथ जुड़ी हुई थी, तो मैं बाबा को कांटेक्ट करती थी कि ये प्रोग्राम एक बार हमने पहले भी किया था, लेकिन उसके बाद फिर हमको परमिशन नहीं मिली। तो अभी मैं उनको फोन कर करके उनके पास जा जाके कि समर वेकेशन में होता है ये कैंप, हमको दो परमिशन। लेकिन जब हमने फर्स्ट टाइम किया था तो 30-35 बच्चे थे, उसके बाद कोरोना के हिसाब से वो बंद हो गया, फिर हमको परमिशन भी नहीं दिया उन्होंने। इस बार हमको परमिशन भी मिली, 100 बच्चे अबाउट हो जाते हैं, और सब उसमें मेडिटेशन में, क्योंकि हमारा उनका गायत्री मंत्र होता है, उसके बाद फिर हमारा चांस होता है। तो वो बच्चे बोलते हैं कि वो मेडिटेशन के टाइम पे पहुंचना है, इस कारण से सब वो बच्चे पंचुअल भी हो गए अभी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए और कोई शेयर करना चाहेगा जिसने अभी साक्षात्कार का कार्यक्रम किया हो कुछ? क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना बहुत ही मतलब जन्म जन्मांतर के ऋषि मुनि संत इस सामूहिकता में है, बहुत बड़े बड़े सदगुरु इस सामूहिकता में है। लेकिन क्योंकि क्या है ना, मनुष्य शरीर में ये
ईगो और सुपर ईगो हमारे लिम्बिक एरिया को कवर करके रखती है, तो वो ईगो सुपर ईगो के बिना तो मनुष्य होता नहीं है। तो उसकी वजह से ना हम पहचान नहीं पाते, अपने आप को भूल जाते हैं। तो ये तो रामचंद्र जी भी खैर इतने टाइम भूले ही रहे कि वो अवतरण है, तो हम तो फिर भी बहुत ही सामान्य है उस हिसाब से, इतने सामान्य भी नहीं है, हम असाधारण है। लेकिन मनुष्य योनि में होने के कारण हम बार बार अपने गुरु तत्व को कहीं ना कहीं भूल जा रहे। सो प्लीज ये थोड़ा और थोड़ा ना देखो, छोटा मोटा तो हम सब निरंतर ही करते रहते ना, इक्का दुक्का को बुलाया, पकड़ लिया, दे दिया, कर दिया, ये तो हम करते ही रहते हैं, तो मुझे पता ही है ऑलरेडी, क्योंकि हर सहयोगी करता रहता है। लेकिन अगर हम थोड़े से बड़े स्केल पे करने का प्रयास करें ना, तो और ज्यादा लोगों तक हम पहुंचते रहेंगे, है ना। क्योंकि आप सोचो, सतयुग में 33 करोड़ देवी देवता थे, तो क्या अभी 33 करोड़ सहयोगी बन गए? उतने बनने हैं, समझ रहे हो ना। तो मेरे को तो ये लगता है कि वो संख्या अभी होनी बाकी है, क्योंकि उनको पृथ्वी पे वापस आना है ना। सतयुग तो, कृतयुग तो चल ही रहा है, सतयुग की शुरुआत हो चुकी है, तो ये वो सब 33 करोड़ देवी देवता वापस आना चाहते हैं सतयुग वाले, तो वो सब हमारे ही माध्यम से आ रहे हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? जी दीदी। हाँ तो जय श्री माता जी। अलका बेटा, हाँ जी मैं कुछ शेयर करना चाह रही हूँ। कल दो भागों में वो लोग आए थे, तो हाँ हुआ एक बार सारी ज्यादातर लेडीज आई थी, है ना, अच्छा और बहुत प्यार से बैठी, और इतना प्यारा अनुभव था कि बहुत टाइम बाद मेरा शस्त्रार गीला हुआ। ऊपर से जैसे ही मैंने हाथ रखा तो मेरे हाथ पे गीलापन था। अरे वाह हाँ, क्यों, पहले मुझे ये अनुभव बहुत आता था, बीच में रुक हाँ गया, अब तो पूरा पूरा सहस्त्रार्थ, अब जब तुम्हारे संग बैठते हैं रोज तो पूरा अंदर बर्फ जैसा हो जाता है सारा, जैसे जम गया हो बर्फ। कल मैं ऐसे ही जब हाथ रखा, क्योंकि भैया करा रहे थे, सुजीत भैया, मैं बैठी हुई थी, और एकदम से हाथ, वो सहस्त्रार हाथ का एकदम गीला हो गया। तो ये अनुभूति बहुत जबरदस्त होती है, स्थिति बिल्कुल डिफरेंट थी, ये बहुत हम आनंद। लोग ना जो हमको प्राप्त हो रहा है, ये अभी हमें ना बहुत सारे लोगों को दे देना है, क्योंकि नहीं तो फिर तो हम तो बेकार की मशीन हो गए ना माँ की, जो यूज ही नहीं होती, तो जंक यार्ड में डाल दिया जाएगा हम, अगर हमने इस मशीन को जो माँ ने बनाई है हमारी, इसको हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो हमको ये देखना है कि हम ये कितना अधिक से अधिक लोगों को पहुंचा पा रहे। कल हमारी सोसाइटी के हैं लॉयर हैं, और आपको पता है लॉयर्स का दिमाग कितना चलता है, दोनों हस्बैंड वाइफ लॉयर हैं, और उन वो पहले हमारी सोसाइटी में हुआ तब भी उन्होंने किया, फिर उसके बाद भी उन्होंने किया, तो फिर कल जब आए पार्क में हो रहा था, तो वो पहुंच गए फटाफट, सहजोग का नाम सुनते ही फटाफट दौड़ के तैयार होके आ गए, और उनको कह रहे मुझे अनुभव नहीं आया, तो फिर मैं पास जाके बैठी तो उनके सारे रोंगटे खड़े हो गए, कह रही कि मेरे तो शरीर में से सिर में से हवाएं आ रही हैं, तुमने क्या किया मुझे, पहले क्यों नहीं हो रहा था, तुम्हारे आने से क्या हो गया। तो आई थिंक हमको ना बहुत ही माँ ने इतनी शक्तियां दे रखी हैं, ये हमें पहुंचानी है लोगों तक, तो मेरे को खुद मैं हैरान रह गई, वो इतने उनके रोंगटे खड़े हुए थे मेरे पास बैठने से ही, और वो कभी मुझे देखे जाने कितने सालों से मुझे जानती है, लेकिन कल जो उन्होंने मुझे जाना, उनका अनुभव बहुत ही विचित्र था, वो बहुत हक्की बक्की होके मुझे देख रही, अपने रोंगटे देख रही, अपना शरीर देख रही, अपने सिर से हवा देख रही और मुझे देख रही, कि ये क्या हुआ, उनको बहुत ही अद्भुत फील हुआ कि ये कैसे हुआ। तो लेकिन उनकी शुद्ध इच्छा थी तो परमेश्वरी ने कहीं ना कहीं पूरी की, लेकिन इस सामयिकता के सभी गुरुओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि
कि हमें जो प्राप्त हुआ है उसको हम अपने पास ही ना रखे रहे, क्योंकि मतलब ये बहुत जरूरी। और कहीं भी जाए, अब जैसे हम धर्म स्थलों पे गिराते हैं, तो माँ ने कहा तीन तरीके रहे हैं ईश्वर को पाने के, एक तो भक्ति मार्ग, राम जी कृष्ण जी के भक्ति के गीत, एक वेद का मार्ग, हवन का मार्ग, और उस तरह से वेदों का जो भी रास्ता दिखाया गया ईश्वर को प्राप्त करने का, और तीसरा मार्ग नाथ पंथियों का, यानी कुंडलिनी जागृत करके ईश्वर को पाने का मार्ग। तो ये जो सारे मार्ग हैं, तो पहुंचना तो एक ही है ना, गंतव्य तो एक ही है। तो जैसे अभी अभी फिर से मुझे एक सुंदर कांड में बुला लिया गया, और कभी मेरे को जैसे, क्योंकि हम इच्छा कर रहे हैं ऐसे, तो मैंने वो बताया ही था सिखों का जो हुआ था, सुखमनि पाठ हुआ था, और अभी यज्ञ उसमें बुलाई लिया गया मुझे। तो वो तीनों चीजें निरंतर चल रही है, और ऐसी हवा हमारी सोसाइटी में फैल गई है, इस पूरे क्षेत्र में फैल गई है। इधर एक तरफ भागवत हो रहा है और मुझे जरूर बुलाया जा रहा है, मुझे पता नहीं, मतलब इतना मैं ना तो कोई पॉपुलर, ना कोई बहुत ज्यादा सोशल हूं, मैं कहीं आती नहीं कहीं जाती नहीं, और मुझे बुला लिया जाता है और मैं वहां जाती हूँ तो परम चैतन्य बरसने लगते हैं। सुंदरकांड का पाठ हो रहा था, हनुमान जी आ गए। तो मतलब हम लोगों का जाना ही बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि हमें भेजा गया है, ऐसे थोड़ा ना पहुंच जाते हैं, हमको भेजा गया है। तो ये लगातार मतलब दृष्टि बनाए रखें कहाँ पे क्या हो रहा है। और नीजा, हाँ आप क्या कर रही हो, आप बताओ एक बार। मैं अभी कुछ भी नहीं कर रही, आई एम हिट अगेन एंड अगेन ऑन माय बॉडी, कि मैं हिलना डुलना ही मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात, मैं आपसे बोलना ही चाह रही थी कि हमारे यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ ना, आई हैव शिफ्टेड हियर 3 इयर्स बैक ओनली। अच्छा। तो यहाँ पर बिल्कुल लोग सहयोग जानते ही नहीं, सहयोग क्या है, श्री माता जी कौन है, दे डोंट नो। और संभव मैं इनके किसी भी ग्रुप से, या मतलब है इनके भजन ग्रुप मंडली वगैरह है, पर मैं जुड़ नहीं पाई कुछ, मतलब क्योंकि शुरू से जब से आई आई हूँ फिजिकली काफी और मेंटली भी काफी स्ट्रेस थी, तो मैं कुछ कर ही नहीं, इन लोगों के साथ जुड़ नहीं पाई। तो मैं अब यही चाहती हूँ, चाहते हैं थोड़ा सा मेरे को भी दो, और यहाँ पर ही फैलाओ, तो मैं जुड़ना शुरू हूँ धीरे धीरे, और यहाँ पर भी कुछ बात बने। अब मेरे को नहीं पता मैं कैसे करूँ क्या करूँ, थोड़ा सा मुझे गाइड करो। हाँ, देखो मैं बताऊं, जो सबसे अच्छा तरीका होगा, हम गूगल पे जाएं, ये सबके लिए है ना, हम गूगल पे जाएं और हम देखें स्कूल्स नियर माई, यू नो नियर मी, और हम देखें कॉलेजेस नियर मी, ठीक है। उसके बाद वहां पे लिस्ट आ जाएगी, वहां से बोर्ड नंबर निकालें और वहां पे अपॉइंटमेंट लें, प्रिंसिपल से जा करके मिलें और मेडिटेशन बोलें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट इसको बोलें, ठीक है, सहयोग बोलने की बजाय, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो उनसे कांटेक्ट करें, उनसे जा करके मिले, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि क्या हो रहा है ना, हमारा डिसबैलेंस हो जाएगा, नहीं तो वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा है। तो ये हाँ, ये तो हमको मतलब अंदर जब बाहर निकलेंगे, इनका निकलना जरूरी ही है, क्योंकि ऊर्जा है। आप सोचो, ऊर्जा को आप कैद कर लोगे, संचित करोगे, क्या होगा आपको। मैं एक बार आपसे मिलना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि आई शुड विजिट। मैं तो चाहती हूँ आप आइए। हाँ, मैं एक बार भी आपसे मिल नहीं पाई, आपने सब कुछ करा पर आई कुडंट कम। मैं एक बार आपसे मिलूं थोड़ी सी। बिल्कुल आइए, और मैं ये ऐसे कर करके आपको करके दिखाऊंगी कि कैसे, हाउ टू अप्रोच स्कूल्स। अब जैसे मधु बुआ है, वो थोड़ी सी हिम्मत आ जाए ना, तो मैं एक्चुअली मैं इमोबाइल हो चुकी हूँ, बिल्कुल खत्म, जैसे कहते हैं ना अपने आप को, ऐसे कर लिया है मैंने। अरे ऐसे जो भी है, तो वो मुझे उठाना पड़ेगा एकदम से ना थोड़ा सा। तो आपके को मिलूंगी मैं। अब मैं आपसे एक स्कूलों में भी गई हूँ, मैं वहाँ विकासपुरी में थी, स्कूल में भी गई थी, काफी दिन तक जाते रहते एनसीटी के स्कूल में, तो फिर कोई साथ ही नहीं देता, सब हिल जाते हैं, तो फिर अकेला बंदा जो है नहीं जा पाता एकदम से,
तो काफी दिन तक जाती रही थी, पर अब अरे जाइए, वीर हैं हम, श्री माता जी के बच्चे हैं हम, हमसे कौन क्या, जाइए मिलिए माँ को, बंधन दीजिए और एकदम ऐसे होगा सब कुछ चकाचक एकदम बढ़िया। ठीक है हाँ, मैं आपको मिलती हूँ एक बारी, आप जब फ्री हो ना मेरे को बताना। कैन यू सी माई स्क्रीन? यस आई कैन, ये मधुबुआ ने अभी शेयर किया। किस तरीके से इकट्ठे होके हम लोग फैलाए मॉल। चलिए आज के सेशन को, ठीक है, जय श्री माता, जय श्री माता, जय श्री माता, जय श्री माता।